जरदारी साहब एक समझदार आदमी है, ठीक है, वो कभी इस खेल में जाएगी। अद्दी का दमा हो गया आठवें आसमान पे, वो मल के आलिया। ठीक है, फर्क क्या है? मरियम है जिद्दी तबीयत की, अद्दी फरियाद तालपून है। अकॉर्डिंग टू पूरे सिंध के अंदर आप चले जाए, जमीनों पे कब्जे, भत्ता, अगवा, कोई 850 निजी जेलें हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध में निजी जेलें हैं जहां पे लोगों की हड्डी पसली तोड़ के मार के वहीं दफना दिया जाता है, और हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ठीक है, ये निसार मोराई से लेके काका से लेके सूबाई हुकूमत के वजीर, ये जितने बन रहे हैं वहां से, जितने लोग, इन्होंने हिस्सा देना है कोई ना कोई। एक दिन का खर्चा बिलावल हाउस का निकाल लें तो वो करोड़ हार रुपए में निकलता है, कोई 18 करोड़ रुपया एक दिन का निकलता है खर्चा एक बिलावल हाउस का। उसमें खाना पीना, शराबें, अय्याशी, असला, मीडिया सेल चल रहे हैं, गाड़ियां, कब्जे आस पास के। और ये तो कराची में हो रहा है, ये तो कराची में हो रहा है, शहर में सड़कें बंद क्यों हुई है, बदमाश घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें ये कर दिया, मीडिया को खरीद, ये कर दिया, वो कर दिया सारा। और उसके बाद जो है वो सिंध में क्या है, सिंध में तो मीडिया का एक आदमी जाता है और इनके बारे में रिपोर्ट लिखता है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। अंदरूनी सिंध में यह हाल है, वहां किसी को आप भेज ही नहीं सकते कि जाके लाड़काना के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके लाओ, क्योंकि जो बंदा होगा, जो ईमानदार आदमी जाएगा, उसको मार देंगे। अच्छा, वो आप कहेंगे जाके नवाब शाह पे बता के आओ कि नवाब शाह का क्या हाल है, कितने तरक्की आती है। तो ये बदमाशिया जो है ना, मेरा ये ख्याल है, ये अद्दी फरियाल तालपुर भुट्टो सालपुर साहिबा बिल्कुल अब सामने आए, और ये अपने प्लांटेड इंटरव्यूज देने के बजाय यहां ये उनके लिए नशीत खाली है। अपने चंपुओं को ना भेजें, ये जूते सैंडल उठाने वाले घटिया लोग, ये घटिया लोग, इनको तो साइडों पे रखे। इन्होंने तो पहले अद्दी को निकाला, अद्दी की शख्सियत का जो इजहार हुआ है ना माशाल्लाह, वो इन्होंने किया, तो अद्दी ने काम बड़ा आसान कर दिया। फरियाद भुट्टो तालपुर साहिबा जो बनने के चक्कर में यहां आ जाए, 10 सवालों के जवाब दें इंतहाई एहतराम के साथ, इससे पहले कि बेनजीर भुट्टो शहीद की वसीयत का हिस्सा नंबर 2 निकाल के ये भी कह दें कि मुझे तो भी उन्होंने कहा था कि मैं भुट्टो हूं और मैं ये हूं, और ड्रामाबाजी करके और आके अल्लाह ताला खैरियत से रखे। मीन मुनव्वर तालपुर को इनका कुछ पता नहीं है, ये क्या, ये अजीब किस्म की एक जो है ना बदमाश लोग है, इनका कुछ पता नहीं है। तो बात यह कि यहां तशरीफ ले आए, 10-15 सवालों का जवाब दे दें, ये बेनजीर भुट्टो ने क्या इनसे कहा, क्या हुआ, कैसे रखा, क्या था, 20 सवालों का ये जवाब दे। टट्टू तो इनके, ये मैं कह रहा था जूते पे जूते पे नौकर मुलाजिम, सैंडल उठाने वाले, पट उठाने वाले, बत्ताखोर। लेकिन फरियाल तालपुर को हथकड़ियां लगेंगी, फरियाल तालपुर जो मर्जी कर ले, फरियाल तालपुर को हथकड़ियां लगेंगी। मैं 6 महीने पहले कहता था इसाक डार साहब का, मैं 2 साल जब मैंने ये किया ना कि एमकेएम पाकिस्तान, ओहो सारे शुरू हो गए। आज जो गालियां दे रहे हैं अदालत को, जो गालियां दे रहे हैं फौज को, जो गालियां दे रहे हैं मुझे, जो गालियां दे रहे हैं आप पाकिस्तानियों को, आप जरा सोशल मीडिया पे जाके, वो सारा साइबर विंग एक्टिव है, वो सब मैंने रात को जगह कौन कौन जरा वही अकाउंट एक ही जगह गड़प करके छापा, और वही बंदे वही निकाल रहे हैं चीजें, वही लगे हुए। काम इतना आसान कर दिया ना, मैं कह रहा हूं कि और कहां से ऑपरेट क्या हो रहा है। ये जरदारी और इस्लामाबाद सील लिख लें, जरदारी और इस्लामाबाद सिटी सील करेगी सरकारी।